गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है महारस वर्ग का थर्ड टॉपिक जो कि है माक्षिक। तो इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है अभ्रक और व्याक्रांत, तो इसकी वीडियो हमने चैनल पर डाल दी है। तो अगर आपने अभी अभ्रक और व्याक्रांत का वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं माक्षिक के बारे में। तो इसका जो पहला सबसे पहला बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं हम। तो इसका जो संस्कृत में नाम है वो है माक्षिक, जो कि दो नामों से जाना जाता है, सुवर्ण माक्षिकम और रजत माक्षिकम, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं माक्षिक, जिसमें सोना माखी या रूपा माखी नाम से माक्षिक जाना जाता है। अंग्रेजी में पाराइट, जिसमें हम कॉपर पाराइट या आयरन पाराइट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माक्षिक का बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं माक्षिक के पर्याय पे। तो इसके लिए जो वर्णन दिया गया है और श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं कि स्वर्ण माक्षिकम आख्यातम तापीजम मधु माक्षिकम ताप्यम माक्षिक धातुश्च माक्षिकम चैव तन्मतम। एक बार फिर से श्लोक देखते हैं। स्वर्ण माक्षिकम आख्यातम तापीजम मधु माक्षिकम ताप्यम माक्षिक धातुश्च माक्षिकम चायव तन्मथम, ठीक है। तो माक्षिक का जो मुख्य पर्याय वो जैसे सुवर्ण माक्षिक हो गया, ताप्य हो गया, धातु माक्षिक हो गया, तापीज हो गया, तारज हो गया, श्वेत माक्षिक हो गया और रजत माक्षिक। तो मेनली हमको ये याद रखना है। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुवर्ण माक्षिक, ताप्य, धातु माक्षिक, तापीज, रजत माक्षिक, तारज और श्वेत माक्षिक, ठीक है। तो ये आपको मेनली याद रखने हैं। अब आते हैं हम माक्षिक के इतिहास पे, ठीक है। तो जो माक्षिक का ज्ञान है वो भारतीयों को अति प्राचीन काल से ही हो गया था या अति प्राचीन काल से ही था। माक्षिक का ज्ञान भारतीयों को अति प्राचीन काल से था। आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसका औषधि प्रयोग में प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया है। चरक ने इसका औषधि प्रयोग में प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये हमको दो इतिहास याद रखने इसके कि भारतीय जो थे उनको माक्षिक का ज्ञान अति प्राचीन काल से ही था और चरक ने इसका उपयोग जो किया है वो औषधि प्रयोग में प्रचुर मात्रा में किया है, ठीक। अब हम देखते हैं माक्षिक की उत्पत्ति। तो जो माक्षिक की उत्पत्ति वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पाद तल से स्रावित रक्त बिंदु से माक्षिक की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और दूसरा जो है कि वो स्वर्ण शैल पर्वत से स्रावित पीत वर्ण का स्राव सूर्य के ताप से सूख कर बनने से ताप कहा जाता है या माक्षिक कहा जाता है। तो एक हो गया हम कि हमको ध्यान में रखना है कि श्री कृष्ण के पाद तल से स्रावित रक्त बूंदी से हुआ है इसका माक्षिक की उत्पत्ति। दूसरा हमको याद रखना है कि स्वर्ण शैल पर्वत से स्रावित पीत वर्ण सूर्य की ताप से सूख कर इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक। तो ये हो गया माक्षिक उत्पत्ति। अब हम देखते हैं माक्षिक का प्राप्ति स्थान, ठीक है। तो माक्षिक कान्यकुब्ज प्रदेश में ताप्ती नदी के पास, किरात देश में, चीन में, यवन देश में और भारत के झारखंड के घाटशिला सिंहभूमि जिले एवं राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी वर्तमान में ये जापान में, अमेरिका में, स्पेन में, पुर्तगाल, इटली और नॉर्वे में पाया जाता है, ठीक है। जो कान्यकुब्ज देश का सुवर्ण माक्षिक स्वर्ण के समान पीतवर्ण का होता है। कान्यकुब्ज देश का सुवर्ण माक्षिक स्वर्ण के समान पीतवर्ण का होता है। ताप्ती नदी के किनारे पर प्राप्त होने वाला जो माक्षिक होता है वो पंचवर्ण सुवर्ण के समान होता है तथा
तार माछिक पाषाण की अधिकता एवं अल्प गुण वाला होता है। तो जो ताप्ती नदी के किनारे प्राप्त होता है हमें माछिक, वो पंच सुवर्ण के समान तथा तार माछिक पाषाण की अधिकता एवं अल्प गुण वाला होता है। तो ये हो गया हमारा माछिक के प्राप्ति स्थान। अब हम देखते हैं माछिक के भेद। तो माछिक के मुख्यतः दो प्रकार या दो दो भेद होते हैं, जो जिसमें पहला है स्वर्ण माछिक, जिसको हम बोलते हैं कॉपर पाराइट, और चेल्को पाराइट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Cu2S और Fe2S3, ठीक। और जो रौप्य माछिक है, ये दूसरा भेद है इसका माछिक का, इसको हम आयरन पाराइट बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Fe2SA+S3, ठीक, Fe2S3, और इसका Cu2S और Fe2S3। अब देखते हैं हम वर्ण के अनुसार माछिक के भेद। तो वर्ण के अनुसार माछिक के तीन भेद हैं, जिसमें सबसे पहला है पीत वर्ण और येलोइस, जो कि हम सुवर्ण माछिक को जानते हैं जैसे। दूसरा है शुक्ल वर्ण या वाइटिस, जिसको हम रौप्य माछिक के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा रक्त वर्ण या ग्रेस, जिसको हम कांस माछिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वर्ण के अनुसार माछिक को आचार्य यशोधर भट्ट ने 9 वर्ण सुवर्णवत एवं वाग्भट्ट ने 5 वर्ण सुवर्णवत माना है, ठीक है। जो शुद्ध सुवर्ण होता है वो 16 वर्ण का होता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब हम दूसरा देखते हैं आधुनिक दृष्टि से माछिक का वर्णन। तो स्वर्ण माछिक सबसे पहले देखते हैं, या कॉपर पायरेट और चेल्को पायरेट, ठीक है। तो स्वर्ण माछिक को ताम्र गंधायस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ताम्र लौह एवं गंधक का यौगिक या योग होने से इसे ताम्र गंधायस बोलते हैं। इसका जो काठिन्य है वो 6 है, विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक डेंसिटी 5 है। ताम्र इसमें जो ताम्र की जो मात्रा होती है स्वर्ण माछिक में वो 20 से 35% है। इसका कलर या वर्ण जो होता है वो चमकीला मृदु एवं भंगुर होता है, ठीक। और इसका रासायनिक फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब इसका देखते हैं हम रौप्य माछिक का। तो रौप्य माछिक को आयरन पायराइट भी बोलते हैं, इसको हम गंधायस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लौह एवं गंधक का योग रहता है, मतलब इसमें लौह एवं गंधक रहते हैं, इसलिए इसे गंधायस कहते हैं। और इसका काठिन्य जो है वो 6 होता है। स्वर्ण माछिक और रौप्य माछिक का काठिन्य बराबर है, मतलब 6 है। विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक डेंसिटी इसका, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 4.8 से 4.9 है। लौह इसमें, मतलब रौप्य माछिक में लौह की मात्रा जो है 46.6% पाई जाती है, और गंधक की मात्रा 53.4% पाई जाती है। इसका जो वर्ण है या कलर है वो चांदी और कांसे जैसा चमकदार होता है। ये हो गया हमारा स्वर्ण माछिक और रौप्य माछिक का आधुनिक दृष्टि से वर्णन, ठीक। अब हम देखते हैं ग्राह्य माछिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राह्य सुवर्ण माछिक। तो ग्राह्य सुवर्ण माछिक, जो सुवर्ण माछिक होता है वो स्पर्श में स्निग्ध, गुरु मतलब भार में गुरु होना चाहिए, नीली काली चमक युक्त होना चाहिए, ठीक है, और कोण रहित होना चाहिए, कोई एंगल नहीं होना चाहिए उसमें, और सोने जैसा या सोने सदृश वर्ण वाला या कलर वाला होना चाहिए। तो उस स्वर्ण माछिक को हम श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक। अब देखते हैं ग्राह्य रौप्य माछिक। जो रौप्य माछिक, ग्राह्य रौप्य माछिक होता है वो स्निग्ध होना चाहिए, भार में गुरु होना चाहिए, कोण युक्त होना चाहिए, वर्तुल तथा रजत के समान उज्ज्वल एवं चमकीला होना चाहिए। तो उस माछिक को हम रौप्य माछिक बोलते हैं, या ग्राह्य रौप्य माछिक कहलाएगा। अब हम देखते हैं आग्राह्य माछिक। सबसे पहले हम देखते हैं आग्राह्य सुवर्ण माछिक। तो आग्राह्य सुवर्ण माछिक जो होता है वो स्पर्श में खर होता है, अल्प भार युक्त, कोण युक्त तथा खर लोहे की आभा वाला होता है। और ऐसा माछिक जो होता है वो औसत कार हेतु आग्राह्य होता है, हमें औसत कार में इसको यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं हम आग्राह्य रौप्य माछिक। जो आग्राह्य रौप्य माछिक होता है वो मलयुक्त होता है, भार में लघु, रोग
लंबे एवं विषम खंडों वाला एवं विवर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसे रौप्यमाचिक को हमें औसत कार्य में नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राह्य और अग्राह्य माक्षिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माक्षिक शोधन।